आत्मा यूट्यूब चैनल मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुकमा स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूर्ण रूप से। सो दोस्तों, इस शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेर आपके लिए जो कि आपको मोटिवेशनल से जोड़ेगा मेरे बच्चों, कि शोर मत कर गमों की रात है, शोर मत कर गमों की रात है और धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिन की बात है। तो टॉपिक में शुरुआत करेंगे आज एक धमाकेदार टॉपिक की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव, जैसे मेल का मतलब आप समझते हैं यानी नर यानी मनुष्य, नर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम का, इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं मिलकर हिस्सा लेंगे। और रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है यानी कि इसमें इसके द्वारा अपने जैसी संतान को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन कहलाता है। यहाँ पर मालूम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में, सबसे पहला भाग है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा भाग है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो पूर्ण रूप से इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग, यानी कि सबसे पहली पहचान मेल की क्या होगी, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक पहचान क्या होगी और सेकेंडरी और द्वितीयक पहचान मनुष्य की नर की क्या होगी। तो पहली जो पहचान होती है वो होती है टेस्टीज। तो जिस सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा हुआ, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यही देखते हैं कि लड़का हुआ है या लड़की हुआ है। अब लड़का और लड़की की पहचान किस चीज से होती है, पहचान जो होती है वो होती है टेस्टीज से। अगर उसके पास टेस्टीज है तो हम श्योर होंगे कि क्या है, लड़का है। अगर नहीं है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होगा, वो हम समलैंगिकता में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे इसकी। तो सबसे पहले पुरुष के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूं पूर्ण रूप से, ये है टेस्टीज मनुष्य के। टेस्टीज की जो संख्या होती है, वृषण बोलते हैं, यहां पर टेस्टीज की जो संख्या होती है दो होती है, ये सुनो। तो टेस्टीज की संख्या दो हो गई। टेस्टीज जिस थैली के अंदर होते हैं, यहां पर ये थैली है, ये थैली है, इस थैली को बोलते हैं स्कॉर्टम। स्कॉर्टम का जो आकार होता है वो एक थैलेनुमा संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टीज होते हैं। पूर्ण रूप से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, जब यहां पर बच्चा क्या होगा, माता के गर्भ में होगा यहां पर पूर्ण रूप से, तो जो इसके टेस्टीज होते हैं बच्चे के, वो बच्चे के पेट में होंगे। क्या में होंगे भैया, पेट में होंगे बच्चे के। यहां पर मैंने लिख लिया बच्चा, जब तक माता के गर्भ में बच्चा होगा, जब तक उसे हम एम्ब्रियो भ्रूण ही कहेंगे। सर, जब बच्चा 7 मंथ का हो जाता है तो 7 मंथ तक बच्चे के जो टेस्टीज होते हैं वो उसके पेट में होते हैं। और कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है कि सवाल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्कॉर्टम होता है वो किस जंतु के अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है, यानी स्कॉर्टम ये जो बाहर की झिल्ली है ये नहीं होती। तो स्कॉर्टम अब्सेंट होता है हाथी के अंदर, डॉल्फिन के अंदर, व्हेल के अंदर। अभी आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डॉल्फिन और व्हेल तो क्या है सर, ये व्हेल तो मछली है सर, ये तो मछली है तो अंडे देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो व्हेल है वो क्या है, एक स्तनधारी है जो अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। उसके बाद एक बीमारी आ जाती है इसी से जुड़ी हुई। इस बीमारी में क्या होता है कि जो टेस्टीज होते हैं हमारे, ये मनुष्य में भी हो जाती है, बच्चों में भी अक्सर देखने को मिलती है, कि जो टेस्टीज क्या है, ये पेट में चढ़ जाते हैं। अगर मान ले कोई मनुष्य है तो उसके टेस्टीज ये शरीर से बाहर होंगे, तो ये टेस्टीज जो चढ़ जाते हैं उसके पेट में चढ़ जाते हैं यहां पर, तो जिससे एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टोचाइल्डिज्म। ये एक बीमारी हो जाती है जिसमें क्या होते हैं, टेस्टीज ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं पेट में, तो यहां पर बहुत दिक्कत आती है। इससे क्या हो जाता है कि स्पर्म की मात्रा होती है, स्पर्म की संख्या होती है, उसमें भी कमी आ जाती है। इससे क्या है कि जन्म तो करेगा वो वंशु, लेकिन बच्चा उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी इस बीमारी में ये पूर्ण रूप से दिक्कत पूर्ण रूप से आ जाती है।
अब देखिए सबसे मजे की बात जो मैं इसमें आपको बताऊंगा, यहाँ पूर्ण रूप से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारे टेस्टीज होते हैं इसकी जो लोकेशन होती है, इसकी जो लोकेशन होती है वो लोकेशन कहाँ होती है कभी कभी पूछ लेता है, तो दोनों लेग्स के बीच में, बिटवीन द लेग्स, बिटवीन द लेग्स यानी बिटवीन द लेग्स यानी टांगों के बीच में क्या होती है इसकी यहां पर लोकेशन होती है। अभी यहां पर पूर्ण रूप से हम समझेंगे, अभी जैसे विंटर यानी सर्दी चल रही है तो सर्दी में क्या हो जाते हैं टेस्टिस सुकड़ जाते हैं टेम्परेचर के लिए, भाई इनको भी किसी टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब सर्दी चलेगी तो सर्दी में क्या होंगे, ये क्या हो जाएंगे सर्दी के अंदर, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी सुकड़ने की क्रिया हो जाती है यानी सुकड़ जाते हैं टेस्टीज। उसी रूप से अगर गर्मी का समर का मौसम चल रहा है तो उसमें क्या होगा इसके अंदर यहाँ पर जो हो जाएगा रिलैक्सेंस हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा फैलाव हो जाएगा यानी ढीले रहेंगे नीचे की ओर, यहाँ पर आप पूर्ण रूप से देखेंगे इस प्रकार से लटके हुए रहेंगे, क्या रहेगा इनके अंदर फैलाव रहेगा। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी के टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होता है, फारेनहाइट में यही हो जाता है 98.6 के समथिंग हो जाता है, फारेनहाइट में मैं लिख देता हूं, कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये फारेनहाइट में। तो पूर्ण रूप से आप देखेंगे यहां पर तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो स्पर्म का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है 30 से कम टेम्परेचर, मान लो 30 डिग्री से लगभग कम होगा इसका टेम्परेचर लगभग होता है स्पर्म का। स्पर्म अभी मैं स्पर्म बार बार आपके सामने करूंगा तो स्पर्म की एक छोटी सी संरचना भी मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूँ पूर्ण रूप से। ये स्पर्म है, ये कहाँ होगा, ये पूर्ण रूप से कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, ये पूर्ण रूप से आपको मैं पूर्ण रूप से सारी चीजें बताऊंगा अभी जैसे समय आएगा, समय के साथ साथ अगर कोई चीज पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहता है, बिकॉज मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज अ पावर। तो पूर्ण रूप से हम समझेंगे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में, मैंने आपको बताया 98 फारेनहाइट, और जो स्पर्म होता है जो मैंने बताया उसका टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो सकता है। ठीक, स्पर्म बनने के लिए जो स्पर्म बनने की क्रिया है, स्पर्म बनने के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर जो टेम्परेचर होता है वो 1 से 2 डिग्री 1 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है, क्योंकि ज्यादा स्पर्म अगर ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा कि ये मर जाएगा स्पर्म और क्या होगा बच्चा उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि टेस्टीज को हमारे शरीर से बाहर बनाया है, अगर टेस्टीज अगर बॉडी के अंदर होते तो बॉडी का टेम्परेचर होता कितना 37 डिग्री सेल्सियस और वहां पर जो स्पर्म होता वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता मर जाता, तो यहाँ पर जन्म तो करता लेकिन क्या होगा बच्चा उत्पन्न नहीं हो पाता। तो इसीलिए आपने देखा होगा लगभग लगभग जीवों के सभी के अंदर क्या होता है टेस्टीज बाहर की ओर होते हैं। और पूर्ण रूप से टेस्टीज के बारे में समझेंगे तो टेस्टीज जो होता है अभी मैंने लोकेशन वगैरह सब पूर्ण रूप से बताई, टेस्टीज का जो वेट होता है वो 14 ग्राम होता है एक का, दो टेस्टीज होते हैं हमारे पास एक का कितना होता है 14 ग्राम, इसकी जो लेंथ होती है लंबाई वो 4 से 5 सेमी लंबाई इसकी होती है। ठीक, इसकी जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई होती है इसकी 2 से 3 सेमी लगभग। टेस्टीज का जो कार्य होता है, टेस्टीज क्या काम करता है स्पर्म का निर्माण करता है, स्पर्म बनाने का काम करता है टेस्टीज। अगर हमारे पास टेस्टीज अगर निकाल दिए जाएंगे, जैसे आपने खस्सी बकरे में देखा होगा आजकल ईद का माहौल चल रहा है काफी, खस्सी बकरा जो होता है उसके अंदर से टेस्टीज निकाल दिए जाते हैं तो वो क्या करेगा, नहीं तो वो सेक्सुअल क्रिया कर पाएगा कोई सी और नहीं बच्चा उत्पन्न कर पाएगा। तो ठीक उसी रूप से जो यहाँ पर मैंने बताया, अगर स्पर्म बनेगा टेस्टीज नहीं होगा नहीं स्पर्म बनेगा, नहीं वो मेल फीमेल की ओर अट्रैक्टिव होगा, तो मेल की और जो फीमेल जो फीमेल की ओर अट्रैक्टिव होता है उसमें मुख्य भूमिका टेस्टीज की होती है और एक हार्मोन होता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो पूर्ण रूप से मैंने बताया कि टेस्टीज का जो कार्य होता है वो स्पर्म का निर्माण करने का होता है, स्पर्म का जो न्यूट्रिशन होता है, स्पर्म जो न्यूट्रिशन मिलता है स्पर्म को, तो स्पर्म को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो सर्टोलिक सेल देती हैं जिसको न्यूट्रिशन का काम करती हैं। अभी ये जो टेस्टीज मैंने आपको बताया पूर्ण रूप से, यहाँ पर आप समझेंगे पूर्ण रूप से कि ये जो टेस्टीज है, यहाँ पर आप समझिए पूर्ण रूप से, इस टेस्टीज के ऊपर एक ऐसी लेयर परत होती है ऐसे, ये पूरी तरह लिपटी होती है और इसी से एक नस ऊपर की ओर जाती है ऐसे, यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर जाती है, ये जाके यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा
क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसको बोलते हैं एपिडिडिमिस। इस लेयर को एपिडिडिमिस के अंदर क्या होता है, मान लीजिए टेस्टिस ने जो स्पर्म बनाए वो किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, एपिडिडिमिस के अंदर स्टोर हो जाएंगे टेम्परेली, ऐसा नहीं कि इकट्ठे रहेंगे यहाँ, टेम्परेली क्या हो जाते हैं, परमानेंटली नहीं कह रहा हूँ, टेम्परेली क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और दूसरी ओर कभी देखा होगा पुरुष की अगर यहाँ पर टेस्टिस पे कोई चोट लग जाती है तो उसके पेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है जिससे टेस्टिस क्या ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, तो पूर्ण रूप से वहाँ पर जो सुरक्षा देने का काम करती है, जो प्रोटेक्शन देने का काम करती है, वो यही लेयर देती है, क्या बोलते हैं इसको, एपिडिडिमिस। अगर ये लेयर ना होती टेस्टिस के ऊपर तो अगर किसी ने चोट लग जाती, कोई लग जाती तो टेस्टिस में सूजन आ जाती, जख्म पड़ जाते, तो पूर्ण रूप से ऐसी घाव उत्पन्न देखने की समस्या उत्पन्न देखने को मिल सकती थी। तो टेस्टिस बड़े प्रोटेक्शन का काम करती है, टेस्टिस से निकली होती है लेयर, मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है स्पर्म डक्ट। इसमें क्या होता है, जो स्टोर होते हैं यहाँ पर स्पर्म, उसको क्या करती है, उसका परिवहन करती है, उसे कहाँ तक ले जाती है, उसे पेनिस तक ले जाने का कार्य करती है, पेनिस तक क्या करेगी, ले जाने का कार्य करेगी पूर्ण रूप से। अब पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो सेकेंडरी ऑर्गन थे, यानी कि द्वितीयक पहचान क्या होती है पुरुष की, तो द्वितीयक पहचान यानी आवाज भारी होना, दाढ़ी आ जाना, दाढ़ी आना, मूंछ आना, ये आवाज भारी हो जाना, ये सारी द्वितीयक पहचानें होती हैं पूर्ण रूप से मेल की। तो ये हमारा पहला पार्ट था, इससे अगले पार्ट में हम और बात करेंगे। जब तक इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप पूर्ण रूप से राइट डाउन कर सकें, तो पूर्ण रूप से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थैंक यू सो मच। तो आगे की वीडियो में इससे अगले की पार्ट की जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि वीडियो काफी अपलोडिंग में दिक्कत आती है। तो थैंक यू सो मच, आप नोट्स बनाइए इनके। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत।